प्लास्टिक माइक्रोबीड्स, आजकल ये प्लास्टिक पोल्यूशन काफी न्यूज में चल रहा है, माइक्रोबीड्स कहाँ कहाँ मिलता है, टूथपेस्ट, सनस्क्रीन, फेशियल स्क्रब, किन चीजों में प्लास्टिक माइक्रोबीड्स को यूज किया जाता है? ये ऑल ऑफ द अबव, सब में यूज किया जा रहा है। ये माइक्रोबीड्स जो एक फेदरी टच नहीं होता आजकल क्रीम वगैरह में फील करना, वो फेदर सा फील होता है, बहुत स्मूथ स्मूथ, तो इसीलिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छोड़ बीड्स है जो ऐसे रोल हो रहे हैं आपके हाथ के बीच, और आपको फीलिंग आ रही है क्रीम में क्या कंसिस्टेंसी है, वो सारी चीजें माइक्रोबीड्स की वजह से आ रही है। जैसे फेशियल स्क्रब है, इवन टूथपेस्ट के अंदर, बॉडी वॉश के अंदर इनको डाला जा रहा है, लिपस्टिक, आईलाइनर, सनस्क्रीन, डिओड्रेंट, नेल पॉलिश, तो ह्यूमन बींग जो यूज करते होता है, ठीक है, एब्रेसिव हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी है। और अभी इशू क्या आया था, अब ये मतलब रिसेंट स्टडी आई है कि ये ह्यूमन ब्लड में भी माइक्रोबीड मिलने लगा है। प्लास्टिक पोल्यूशन है बहुत इशू, माइक्रोबीड्स क्यों, एक तरह प्लास्टिक पोल्यूशन, इसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक छोटा 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 टुकड़ों में जैसे डिग्रेड होने होता रहता है, और फिर उसके बाद जो सबसे छोटा टुकड़ा है जो डिग्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, नैनो पार्टिकल जैसे हो जाते हैं, डिग्रेड तो होगा नहीं, तो वो इशू कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस है ना, फॉस्फीन, तो ये इट्स अ कलरलेस फ्लेमेबल गैस, फॉस्फीन कलरलेस भी होती है, फ्लेमेबल भी होती है, इट इज एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड गैस, डज नॉट अकर नेचुरली, देखो ये नेचुरली अकर हो सकती है, जैसे एनारोबिक डीके होता है उसमें हो सकती है, इसलिए वन ऑनली फॉस्फीन, इसको फॉस्फेन भी कहा जाता है, आयुर्वेदिक नेम इसका, कलरलेस है, फ्लेमेबल है और टॉक्सिक है, ये केमिकल फॉर्मूला PH3 है ना, यहाँ पर ये क्लस्टर्स फिनिटोजन हाइड्राइड, तो ये प्योर फॉस्फिन ओडरलेस होती है, लेकिन वही जो टेक्निकल ग्रेड सैंपल्स होंगे ये बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट ऑर्डर देते हैं सराउंडिंग क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट फॉस्फिन और डाइफॉस्फिन P2H2 होते हैं, P2H2, और ये PH3 है, फ्लेमेबल है और ल्यूमिनस फ्लेम देती है, टॉक्सिक है, ये रेस्पिरेटरी पॉइजन की तरह काम कर रही है, डेंजरस है ना, 50 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा होगा तो मर सकते हैं, और ये एनोरेबिक डीके के टाइम पे ये फॉस्फोरस कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक मैटर है तो वो डीके करेगा उस टाइम पर, बन सकती है, तो नेचुरली अकरिंग भी है जो यूज करी जाती है उसके लिए, ये मतलब कमर्शियली बनाई जाती है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एन इंडियन रोबोट नेम्ड व्योमित्रा, व्योमित्रा किसने बनाया है, सीडैक, इसरो, DFIR या DRDO, ये इसरो, ना इसरो ने क्यों बनाया है, बाहर जैसे स्पेस में भेजने के लिए, व्योमित्रा ना कहां से बना है, व्योम और मित्रा, स्पेस फ्रेंड, प्रोटोटाइप है हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट, इसरो ने बनाया है, 22 मार्च को किया था, और ये जो हमारे मैंड स्पेस मिशन होंगे उसमें भेजा जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करने के लिए, गगनयान प्रोजेक्ट प्रोग्राम है इसमें व्योम मित्रा ये ना अनमैंड मिशन के लिए भेजा जाएगा बाहर, इसलिए है कि जैसे हम बात करें डज नॉट वॉन्ट टू फ्लाई एनिमल्स ऑन बोर्ड, ये काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, और ये चीज ह्यूमन रोबोट जो ये है ये अंडरस्टैंड करेगा वेटलेसनेस, जो इनको स्पेशल इसके अंदर जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, और बाकी जैसे बाहर भी मतलब इसमें इनको हेल्प कर सकता है, और हाँ फ्यूचर में ये भी प्लान किया जाए, अभी तो ये नहीं कि असिस्ट करने के लिए ही जाएगा, तो फ्यूचर में ये भी प्लान हो रहा है कि जैसे जो रेडिएशन वाले काम होते हैं या जो रिस्की काम होते हैं जैसे स्पेस सेंटर से बाहर निकल के जो काम करने पड़ते उसमें भी ये हेल्प कर पाए, इस चीज के लिए भी फ्यूचर में इसको प्लान मतलब बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि जो स्पेस स्टेशन है उसमें जो भी चीजें ठीक करनी है वो ह्यूमन से ठीक करने के लिए बनी हुई है, उसके लिए ह्यूमन हैंड ज्यादा एक्ट है, तो कोई रोबोट भी चाहिए तो ऐसा चाहिए जो ह्यूमन की तरह काम करे, इसलिए, और अभी ये है कि अभी बस हेल्प करेगा उनका, बाकी 1 माइक्रोन है ना, 1 माइक्रोन ये कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, 1 माइक्रोन इसमें 4 जीरो हो गया ना, तो 1.0, तो इसका आंसर 3, देखो 1 माइक्रोन होता है ना, ये 0.000 सेंटीमीटर, हम बात करें माइक्रोन आजकल यूज करते हैं ना माइक्रोन, तो ये अगर हम इसको 10^-3 m पर सेंटीमीटर में देखना होगा तो 10^-4 बन जाएगा, 0.0001 सेंटीमीटर। डैश कैन नॉट बी करेक्टेड
विद स्पेक्टिकल्स। कौन सी बीमारी है जो स्पेक्टिकल से ठीक नहीं हो सकती? प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट या मायोपिया। कौन सा नहीं होगा? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, एक है ना बिल्कुल मिल्की लेयर जैसी बन जाती है आंख के ऊपर, इसकी वजह से इमेज नहीं बनती है, इसको हटाना ही पड़ता है। कैसे नहीं, कैटरैक्ट जब क्यों बनेगा, लेंस सील हो जाता है कैप्सूल में, ये ओल्ड सेल्स जो मर रहे होते हैं ये ट्रैप कर देते हैं उस सेल के अंदर, और फिर क्लाउडिंग हो जाती है, ब्लरिंग हो जाती है, मोतियाबिंद कहते हैं इसको, इसको रिमूव करना होता है, ऑपरेशन होता है। बाकी अगर प्रेस बायोपिया की हम बात करें, इसमें क्या होता है, अकोमोडेट करना जो आई का है ना, जो एज के साथ ना वो ये चेंज होता रहता है, ज्यादातर लोग नियर पॉइंट ये रिसीड कर जाता है, लोग कंफर्टेबली नहीं देख पाते यहाँ पर। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें हो क्यों रहा है प्रेस बायोपिया, जो मसल्स होती है सिलियारी मसल क्या होती है, वो आपके जो लेंस होता है उसको उसका फोकल लेंथ चेंज करती है, तो धीरे धीरे वीकम हो जाती है सिलियारी मसल्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी आंख के लेंस की कम हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस, दूर दिखता है नजदीक नहीं दिखता है। कौन से लेंस से ठीक होता है? कन्वेक्स लेंस, ध्यान रखना, ठीक है, नजदीकी चीजें दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, कंकेव लेंस यूज करें। विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, नहीं ये मतलब शब्द है उसका मतलब बताओ, जैसे एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, कौन सा है यहाँ पर? एंटासिड है ना, एसिड के अगेंस्ट जो काम करता है, तो न्यूट्रलाइज करते, जब एसिड पेट में एसिड ज्यादा बनता है तो उस टाइम पर इंडाइजेशन और हार्ट बर्न होता है, ऐसे लगता है जलन जैसी हो रही, उस टाइम पर एंटासिड दिया जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है, गॉर्ड बोलते हैं इसको, गैस्ट्रो इसोफेगसल रिफ्लक्स डिजीज, इसके अगर ना प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो स्टमक अल्सर भी होता है, गैस्ट्रेंटाइटिस होता है, जो स्टमक की लाइनिंग है, क्योंकि जो एसिड है वो स्टमक की ज्यादा सेपरेट हो रहा है, उस स्टमक की लाइनिंग को टच करेगा और तो डैमेज करने लग जाएगा। अल्सर भी वैसे ही होता है जब एसिड ज्यादा स्टमक की लाइनिंग को लग रहा है। और क्यों होता है ये सब? ज्यादातर जब स्ट्रेस ज्यादा होता है उस वजह से, आजकल देखो बच्चों को ना ये काफी हो रहा होता है, इसीलिए स्ट्रेस, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो एसिड ज्यादा सिक्रेट होता है पेट के। बाकी इसमें जैसे बाद और शब्द लिखे गए, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या जो है ना, कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक पेन, पेन के लिए काम, एंटी पायरेटिक टेम्परेचर कम करेगा, एनाल्जेसिक पेन को रिलीव करेगा, एंटीसेप्टिक अगर कहीं सेप्टिक हो जाए ना, ये वो मतलब सेप्टिक नहीं होने देता चीजों को, तो मतलब वहां पर जो भी होगा ना बैक्टीरिया वायरस वगैरह को खत्म करेगा, सड़ने नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज मोस्ट इलास्टिक, इन सब में से सबसे ज्यादा इलास्टिक क्या है? रबड़, प्लास्टिक, ब्रास, स्टील। लगता तो रबर है बट स्टील, ठीक है ना। क्या है बेसिकली इलास्टिसिटी की, अगर आप डेफिनेशन देखो ना, तो ये है प्रॉपर्टी की मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर दे जब उसको डिफॉर्म करेंगे, उसके बाद जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई फिर वो रिमूव कर देंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाए, ठीक है। सब इलास्टिक होते हैं, डिग्री वेरी करती है, माइल्ड स्टील, रबड़ दोनों इलास्टिक है, लेकिन स्टील ज्यादा इलास्टिक। What is the process called when a compound combined with oxygen gas to form water, heat and carbon dioxide? Fuel है, oxygen के साथ मिलेगा तो उस time पर carbon dioxide और water बनता है, इसको क्या बोलते हैं? Combustion, combustion की process। तो यहाँ पे fuel plus oxygen, ये carbon dioxide और पानी छोड़ता है, charcoal जैसे जला रहे हैं, कोयला चला रहे हैं, combustion की process। Which of the following pollutant is included in the air quality index of India? Air quality index important है हमारे लिए। उसमें कौन-कौन से pollutants हैं? Carbon dioxide, chlorofluorocarbon, sulfur dioxide और methane। यहाँ पर कौन सा है? Sulfur dioxide। ठीक है। Air quality of index of India ना ये define करते हैं, equal air quality index। ये define करेगा। इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ना ये पॉल्यूटेंट्स है ना, बाकी इसके स्केल रहेगा, इसमें एयर क्वालिटी देखी जाती है जो आजकल चेक किया जाता है ना, AQI मॉल रोड पे भी देखा होगा तुमने, AQI का एक तरीके से वो चेक कर रहे होते हैं कि कितना पॉल्यूशन है, क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं जो इसके अंदर है। पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होंगे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये हमारे को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और क्यों होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, गेट ही नहीं होती, जब कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने से बोलते हैं गैस लगती, गैस लगने का क्या मतलब है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और ये इम्प्रॉपर पॉल्यूटेंट है, टॉक्सिसिटी होती है इसमें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है मेजर सोर्स, ये NOA कंबस्टन प्रोसेस में निकलता है, और अर्बन, ये रूरल और अर्बन एनवायरमेंट में मिल रहा है, इवन जैसे एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में भी NO2 होता है, एसिड रेन का पीछे एक रीजन है ये, बाकी पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 है ना, इसके वजह से बहुत ज्यादा मोर्टैलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है। जो हम PM 2.5 और PM 10 की बात कर रहे होते हैं, ये जैसे कुछ हम जलाते हैं ना, उसके अंदर भी छोटे छोटे जो पार्टिकल, इवन धूल है, धूल से भी पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा होता है, जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा, और बीच में दिल्ली में स्कूल बंद नहीं हुए थे तो वही था कि पार्टिकुलेट मैटर बहुत बढ़ गया था उस टाइम पर, फिर जैसे पानी फेंकना शुरू कर दिया था सड़कों पे, काफी ऑर्डर्स आ गए थे, जैसे जो ट्रक जाएंगे, जो मटेरियल ऐसे उठा के ले जा रहे हैं उसमें उनको ढक के ले जाया जाएगा, जैसे मिट्टी रेता वगैरह जो लोग ले जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उनके चार, जैसे देखना आप कंस्ट्रक्शन साइट्स की चारों तरफ ना ऊंचे ऊंचे से बैरिकेड्स लगाए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, एक तरीके से छत जैसी नहीं लगाई होती, छत का जो मटेरियल होता है उसको रोकने के लिए, इसीलिए कि हवा ना, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां से हवा उड़ के जाएगी तो सारा इंसान सामान उड़ा के ले जाएगी, उससे पार्टिकुलेट मैटर बन रहा होता है। और स्टबल बर्निंग रोक दी थी ना, वहां पर गाड़ियां झाड़ू मारते हुए दूसरी गाड़ी आएगी, माल रोड पे नहीं है यहाँ पर भी लगी हुई, झाड़ू लगाती है और थोड़ा एकदम अंदर खींच लेती है वैक्यूम, ठीक है। इसके अलावा ओजोन है, अगर सरफेस लेवल पे ओजोन होएगी तो ये भी एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है, ठीक है। इसमें भी जैसे ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीज, इफ्सीमा, अस्थमा, लंग कैपेसिटी, ये सब कम हो रही है। फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एसिड रेन का एक मेजर रीजन है, ठीक है ना, H2SO4, HNO3, ये दोनों बनते हैं। सॉल्यूबल है एक्वस मीडियम, म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। फिर लेड है, टॉक्सिक मेटल है, तो ये ब्लड, ये लेड लेवल अगर बढ़ेगा तो ये इशू क्रिएट करता है हमारे लिए। बाकी अमोनिया, अगर इसको हम इनहेल करते हैं तो नोज, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेगेटिव इशू, मतलब इसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है, और इनहेलेशन ज्यादा करेंगे तो ये रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये पॉल्यूटेंट, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे AQI के अंदर, अमोनिया, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। इम्यूनाइजेशन टेक्निक, इसको किसने डेवलप किया था, लुईस पाश्चर, जोसेफ लिस्टन, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जेनर। इम्यूनाइजेशन फर्स्ट टाइम किसने किया था, एडवर्ड जेनर। पाश्चर ने क्या किया था, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। एडवर्ड जेनर है ना, इन्होंने इम्यूनाइजेशन टेक्निक स्टार्ट करी थी। ये हो सके इस बार बहुत इम्यूनाइजेशन हो रही है ना, वैक्सीनेशन जैसे हम कह रहे हैं। इंग्लिश फिजिशियन है ना पाश्चर ने, ये माइक्रोब्स, ये डिस्कवर किया था कि माइक्रोब्स ये सोरिंग करते हैं मिल्क की भी, और इसीलिए इन्होंने क्या किया था बाद में, पाश्चराइजेशन टेक्निक ढूंढती पाश्चराइजेशन। फिर इसके अलावा ये एंटोन वैन ल्यूओक, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको कंसिडर किया जाता है। रॉबर्ट कॉच, इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरियम है इसको आइसोलेट किया था, और इनको नोबेल प्राइज 1905 में मिला था इस काम के लिए। टीबी से बहुत डेथ होती थी शुरू में। इम्यूनाइजेशन करते क्या, इम्यूनाइजेशन में बिल्कुल एक लाइटर फॉर्म में जो बीमारी है उसी को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज बन जाएगी, फिर एंटीबॉडीज है फ्यूचर में भी याद रखिएगा, अगर सिमिलर अटैक हो रहा है तो कैसे एक्शन लेना।